लिया ना लेक्चर से। हाँ चलो एक क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर आगे टॉटोनिक्स की डिटेल चलेंगे। टॉटोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेक्चर से खत्म कर लिया है तो ढंग से समझ आएगा जैसे इसको अरेंज करना है। C6H5 C2O, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर के अंदर, जिसने लेक्चर्स पढ़े हैं उसने किया भी होगा क्वेश्चन। इसको तुम्हें अरेंज करना है परसेंटेज इनोली कंटेंट, परसेंटेज इनोली कंटेंट में अरेंज करना। देखो क्वेश्चन क्लियर है, ये 8 है इनको अरेंज करना है परसेंटेज इनोली कंटेंट, क्लियर? परसेंटेज इनोली कंटेंट में अरेंज करना है। ये नित्या, नित्या नित्या यस सर, कल मैसेज नहीं किया, कितने किए लेक्चर? कर दूंगी, हाँ भूल गई तुम ना। करो एक बार, हाँ एक बार कॉल करके सुनाना भी है तुम्हें। हाँ ठीक है, वेदांत ने आंसर निकाल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार वेदांत ट्राई करने दे, सब कुछ बताता हूँ।
चलो आंसर देखेंगे अब। आंसर किसी को और बोलना है वेदांत के अलावा? वेदांत का आंसर सही है बिल्कुल। देखो हाँ बिल्कुल सही है, वन, ये वन से एट तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यही आंसर आएगा इसका। सही है शिखा। देखो सर फर्स्ट केस में सबसे पहले तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप देखेंगे, हर केस में यही चीज है, यही एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका एच हटने के बाद, इसका एच हटने के बाद ऊपर छह मेंबर की रिंग बनेगी, वो लास्ट सेक्शन मैंने बता दिया तुम्हें। एच हटने के बाद यहाँ से एच हटा, नेगेटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर सब में हो रही है, लेकिन जब फिनाइल ग्रुप आएगा तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाएगी। सही ना, फिनाइल ग्रुप जब आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। इस वजह से क्या होगा, समझ आएगा कि नहीं? ये फिनाइल ग्रुप आने से क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो इसलिए ये सबसे रेसिबल होगा बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन, क्लियर? बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन ये सबसे रेसिबल होगा। देखो देख लेंगे एक बार, जैसे फिनाइल ग्रुप ये रहा, सी OH डबल बॉन्ड CH, सी डबल बॉन्ड O PH, तो ये हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बेंजीन से रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये हाईली स्टेबल होती है, इसकी इनॉलिक फॉर्म हाईली स्टेबल, और ये मान के चलो कि 98% के आसपास, 98% के आसपास दोनों साइड से इसकी। और सेकंड वाला जो कंपाउंड है इसमें भी एक साइड से तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ही, दूसरी साइड से कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं, तो इसमें भी 95% के आसपास मान चलता, 93, 94, 95 कुछ भी हो सकता है, 93, 94, 95 इसमें भी एक साइड से एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, इस साइड से थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, इसलिए इसका 90% के आसपास, कुछ 90% के आसपास, 90% के आसपास आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट लें, नेक्स्ट लें इसको, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी दोनों साइड सी एच ओ है, कोई भी माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट नहीं है, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो ये भी 85% के आसपास, कुछ 85% के आसपास। इसमें सी एच थ्री एक साइड से आ गया, तो ये मान लो 80% के आसपास, इसकी इनोलिक, मैं इनोलिक कंटेंट की परसेंटेज बता रहा हूँ ये, और इसमें तो तुम्हें बता ही रखा मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह पढ़ाते हैं, हर बुक में दे रखा होगा, इसकी 76% इनोलिक कंटेंट, 76% इनोलिक कंटेंट आ जाएगी इसकी। फिर आगे अब जब OCH3 आ गया तो इसमें क्रॉस कंजुगेशन हुई यहाँ पे, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी, तो यहाँ हो गई क्रॉस कंजुगेशन, ये क्रॉस कंजुगेशन होगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये भी इधर इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो इसमें क्रॉस कंजुगेशन हो गई, इसकी वजह से परसेंटेज बहुत ज्यादा घट कम हो जाती है, परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और ये आता है 7-8% के आसपास, 7-8% के आसपास आ जाती है। लास्ट वाले में तो ये ऑलमोस्ट निल रहता है, जीरो, अप्रोक्सीमेटली 0% इसकी, इसमें इनोलिक कंटेंट, इसमें इनोलिक कंटेंट। पहला वाला केस किस वजह से था, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, दूसरा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्सटेंडेड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया, इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, इधर से प्लस आई आ गया तो कम हो जाएगा इनोलिक कंटेंट, थोड़ा सा ऊपर से, इसमें किसी भी साइड कोई प्लस आई नहीं है, तो 85% के आसपास, क्योंकि इसमें दो चीजें तो रहेंगी, यहाँ से जब एच हटा ये OH बना, यहाँ पे ये इंटरमोलर बॉन्डिंग, एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो रहेगी वाली, इस रिंग के अंदर छह मेंबर की रिंग जो बनेगी, इसलिए 85% के आसपास, इधर से थोड़ा सा प्लस इफेक्ट है, कम हो जाएगा, इन दोनों साइड से प्लस इफेक्ट है, तो इसमें और कम हो जाएगा, इसमें तो क्रॉस कंजुगेशन हो गई, और इसमें दोनों साइड से क्रॉस कंजुगेशन, इधर से भी और इधर से भी क्रॉस कंजुगेशन, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट निल रहेगा इसमें, क्या कहते हैं, इनोलिक कंटेंट। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनोलिक कंटेंट निकालने का, और मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है पेपर के अंदर। किसी को पूछना तो नहीं है इसमें कुछ? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
इन ऑल कंटेंट में अरेंज करना है। ये पांच कंपाउंड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, इनको अरेंज करना फिर इनोलिक कंटेंट में। हाँ कर लिया तुमने। कौन देगा इसका आंसर? वेदांत का 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5। देखो वन में देखो ये वाला पार्ट सब में है, सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी, ये पार्ट सब में है, ये पार्ट सब में है। बस अब डिपेंड करेगा कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसके पास, यहाँ पे माइनस आने के बाद हाईली स्टेबल, यहाँ माइनस आने के बाद हाईली स्टेबल, तो वो पार्ट तुम्हें दिख रहा है वन में है, और थ्री फोर में भी, फोर में भी माइनस आएगा तो ये यहाँ से माइनस आर एफ एक्स से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसलिए वन सबसे ज्यादा, फिर फोर आएगा, 1, 4, उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे तो प्लस आर आ गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, और इस वाले केस में, इस केस में क्या आ गया, प्लस आई आया, इस केस में प्लस आई आएगा, तो 1, 4, 1, 4, फिर आएगा 3, 3, 2, 5, नहीं 3, 5, 2, एक बार चेक करो उसको,
तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे इसको। नेक्स्ट नोट करना आप, इसको ट्राई करो। 4, 5 इनको चेक करो, इनको चेक करना है ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट, इन पांचों को चेक करो ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट। चलो इसका आंसर मैं दे रहा हूं, सब निकालिए आंसर इसका। ये है कुछ चेक करेंगे वेदांत का, सही है 2, 2 में बहुत ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है, फिर 1 कोई भी डोनेटिव ग्रुप नहीं है, फिर 3 + i, 4 में प्लस आई बहुत ज्यादा, 5 में प्लस आई बहुत ज्यादा, 2, 1, 3, 4, 5 आएगा, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5। नेक्स्ट देखेंगे, अगेन ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट। इन चारों को अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट।
अनकाली आंसर का वेदांत का आंसर सिद्धांत का सही आंसर सर फोर थ्री टू वन आंसर आएगा फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन आंसर है इसका देखो इस साइड वाले एक्टिव हाइड्रोजन तो सबसे मिलर है चारों केसेस में इस साइड वाले एक्टिव हाइड्रोजन सिमिलर है अब हमें चेक करना है यहां वाले चेक करने हैं तो ये तो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होगा क्यों अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये हटेगा तो ये चीज होगी देखो ये हटा यहां से ये हट गया यहां से एच एच हट गया और ये आ जाएगा टू एच और इसका मतलब क्या है ये कार्बन sp2 हो गया तो एंगल स्ट्रेन तो पहले इसके अंदर स्ट्रेन बहुत ज्यादा था और कार्बन या sp2 होने की वजह से एंगल स्ट्रेन कितना हो जाएगा और जो बढ़ जाएगा अब 120 के एंगल की रिक्वायरमेंट है 120 एंगल की रिक्वायरमेंट है तो स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाएगा इस वजह से इसमें तो ये वाला हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं फिर नीचे अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे स्ट्रेन से रिलीफ मिलेगा इसलिए आंसर आएगा 4321 कोई डाउट 4321 ये आंसर आ जाएगा नेक्स्ट करेंगे चलो सिमिलर क्वेश्चन सर सबसे कम स्ट्रेन तो फिर थर्ड वाले में होगा ना नहीं 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 लास्ट में 120 की रिक्वायरमेंट है एंगल 120 सही है छह गिरेंगे वो ऐसे ही चार गिरेंगे और तीन गिरेंगे करो जल्दी इन चारों को अरेंज करो हाँ कर लिए ये वेदांत आंसर बोलेगा 1 2 हाँ बिल्कुल सही है स्ट्रेन के बेसिस पे है सिमिलर क्वेश्चन है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन ओनली ये एक्टिव वर्जन है इसका
यहाँ एक्टिव वर्जन है यही हटेगा, यहाँ जो एक्टिव वर्जन है यही हटेगा, तो स्ट्रेन सबसे ज्यादा आएगा लास्ट वाले में, तीन की रिंग में डबल बॉन्ड तो आ ही नहीं सकता कभी, तो इसलिए 1 2 3 4 ब्रिज हेड पोजीशन में एक बीच में कार्बन होना चाहिए ना ऐसे, तब होता है ना, नहीं ध्यान आया, इसमें तो 120 का एंगल हो सकता है ना, ये ऐसे होती है, ब्रिज हेड पोजीशन है ये, लेकिन ये फ्यूज्ड बाईसाइकिल हुआ है, अगर ऐसे होता तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी एंगल 120 का हो सकता है इधर, लेकिन अगर ऐसे है ये, अब नहीं है, समझ गए कि नहीं है, अब यहां पे डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन, नाउ इट कैन नॉट बी sp2 इन फॉर्म ऑफ प्लस रेडिकल और डबल बॉन्ड, अब ये sp2 नहीं हो सकता, बात समझ आ गई नहीं? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ध्यान से मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रिज एट रेड स्कूल में बहुत ढंग से हमने पढ़ा हुआ है, फ्यूज बाईसाइकिल हुआ तो प्लस आ सकता है वहां पे, फ्यूज बाईसाइकिल हुआ तो प्लस आ सकता है। चलो अभी एक हमने इनोलिक कंटेंट के क्वेश्चन कर लिए, ये इनोलिक कंटेंट के क्वेश्चन हमने कर लिए, अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन नीट में IIT में काफी बार आए हुए इस टाइप के क्वेश्चन, कि इसमें से जैसे ये दे दिया और बोलेगा कि कौन सा इसमें कंपाउंड है जो टॉटोमेरिक शो करेगा, पहला दिया, आंसर निकालते रहना साथ साथ, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसके, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, पांचवा दे दिया, ये ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन हो चुके हैं, तो ये तुम्हें आने चाहिए, इनमें तुम्हें बताना है, जल्दी से आंसर दो, बस एक मिनट का टाइम है, फिर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, एक मिनट में सोच लेंगे सारे, सातों में से कौन सा टोटल में शो करेगा, कौन सा टोटल में शो नहीं करेगा, निकाल लिया आंसर क्या? चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से, चेक करो उसका सही है, इसमें 15 स्पेस ऑटोमेटिक होगी इसके अंदर, एक्सेप्ट 347 नहीं, वेदांत 7 भी शो करेगा, देखो उधर, इसमें ये एच हटेगा,
ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिनॉल बन जाएगा और 100% अप्रोक्सीमेटली आएगी फिनॉलिक कंटेंट। इस केस में भी ये एच हटेगा और पैराक्रेसोल आ जाएगा, पैराक्रेसोल आ जाएगा OHME नीचे। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हर बार ऑब्जेक्टिव में तो यही मिलेगा बेंजोफिनोल, इट कैन नॉट शो टॉटोमेरेज, यहां वाला एच तो कभी हटेगा नहीं। ये एच हटाओगे तो ये कार्बन sp बन जाएगा, sp मतलब लीनियर, रिंग टूट जाएगी, रिंग टूट जाएगी। हां बोलो जल्दी, किससे बोल रहा है सर? दूसरे में क्या बनेगा प्रोडक्ट? पैराक्रेसोल, OH ऊपर और ME नीचे। इसमें भी सेम बेंजोफिनोन की फॉर्म है, बेंजोफिनोन, ये दो कंपाउंड मत भूलना, ये शो नहीं करेगा, ये शो, यही ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इस केस में भी टॉटोमेरेज होगी, यहां से एच हटेगा नीचे। पोजीशन चेक करो कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 113 टॉटोमेरेज होगी, स्पेस टॉटोमेरेज कहते हैं इसको, ये भी शो करेगा। और ये इसमें भी क्लोरोग्लिसिनॉल बन जाएगा, लास्ट वाले में भी होगी। चलो रीजॉइन कर लेंगे एक बार, सर लास्ट वाले में क्या बनेगा?